हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ग्लाइकोलिसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजी फील्ड में, और बायोलॉजी फील्ड पूरी बायोलॉजी सब्जेक्ट में ग्लाइकोलिसिस पाथवे को काफ़ी वैल्यू दी जाती है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में ग्लाइकोलिसिस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम टीचिंग दिस ग्लाइकोलिसिस बाय यूजिंग माय ग्राफिक टैबलेट। So, let's start with a glycolysis. You know, glycolysis has another name also. Glycolysis also known as the EMP pathway, because it was studied by collectively three scientists, and that's why it is called EMP pathway. मैं आपको उन लोगों के साइंटिस्टों के नाम बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में जाते हैं। Glycolysis was studied by three scientists, and the name of scientists is, first one is Gusto Embedon, second one is Otto Mayrhof, and थर्ड वन इज जेकब कैरोल पर्नस, एंड दैट्स व्हाई ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज ई एम पी पाथवे। ई स्टैंड फॉर गस्टो एम्बेडन, एम स्टैंड फॉर ओटो मेयरहॉफ, एंड पी स्टैंड फॉर जेकब कैरोल पर्नस। यस, ग्लाइकोलिसिस। अभी ग्लाइकोलिसिस तो ईएमपी पाथवे को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस क्यों कहते हैं वैसे? एक्चुअली इफ यू सी दिस वर्ड, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोस, गॉट इट, एंड लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। सो सिंपल लॉजिक इज दैट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अगर हम डेफिनेशन देखें, सो glycolysis is nothing but breakdown of glucose into two molecule of pyruvate, or you can say pyruvic acid, into two molecules of pyruvate or pyruvic acid. This is called glycolysis. ग्लाइकोलिसिस को अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। यस, ग्लाइकोलिसिस को अलग अलग टीचर, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं। मैं अगर आपको इनके डेफिनेशन ये समझाऊं, तो ये देखिए, ये सबसे सिंपल वाली डेफिनेशन है। अगर हम थोड़े डिफिकल्ट डेफिनेशन भी देखें तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस इज एन बायोलॉजिकल पाथवे इन विच सिक्स मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस इज अ बायोलॉजिकल पाथवे इन विच सिक्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोस अंडरगो प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स ब्रेकडाउन, एंड टर्न इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, एंड पायरुवेट इज जनरली कंटेनिंग थ्री कार्बन। So single pyruvate is containing three carbon, and there are two molecules of three carbon. There are two molecules of pyruvate, so total it becomes again six carbon. So six carbon containing molecules such as glucose undergo breakdown or oxidation and turn into the two molecules of pyruvate. And both pyruvate is composed by three carbon. So this is the definition of glycolysis, and glycolysis was studied by the Embedon, Mayrhof and Pernas. That site is also called EMP pathway. तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो और आप ग्लाइकोलिसिस को लर्न करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें से अगर एक भी एमसीक्यू आ जाता है तो आपको चार मार्क्स के लिए वो एमसीक्यू होगा। मान लो अगर आपको पूछा जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज
गेट कन्वर्टेड इनटू। तो आपको ये पाथवे अगर आपने पूरा लर्न किया होगा तो ही आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है, तो ही आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ अब हमें इसे लर्न कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज फर्दर डिवाइडेड टू टू स्टेप, स्टेप वन विच इज कॉल्ड प्रिपरेटरी एंड स्टेप टू विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। सो दिस वन इज प्रिपरेटरी फेज, यू कैन से वन और यू कैन से ए, एंड दिस वन इज ऑक्सीडेटिव फेज और यू कैन से पे ऑफ फेज। यस, सो हमारे सामने ग्लाइकोलिसिस के दो स्टेप हैं, ए जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और बी जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं क्या होता क्या है। इन अ प्रिपरेटरी फेज देयर इज एटीपी इज कंज्यूम, ओके एटीपी इज कंज्यूम, और पे ऑफ फेज में क्या होता है, एटीपी इज प्रोड्यूस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहां पे दो एटीपी कंज्यूम होते हैं और यहाँ पे चार एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। मतलब अगर हम ये देखें टोटली तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मिलते हैं हमें, टू एटीपी मिलते हैं। समझ गए कैसे, ये देखिए इन ग्लाइकोलिसिस इन पे ऑफ फेज वी आर जनरेटिंग फोर एटीपी मॉलिक्यूल, बट टू एटीपीज आर यूज ड्यूरिंग द ए फेज, करेक्ट। तो दो एटीपी अगर चार में से चले जाए तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में से हमें कितने एटीपी मिलते हैं, दो ही एटीपी मिलते हैं। Yes? तो अब इस पाथवे को लर्न कैसे करते हैं, मैं आपको आपको उसकी एक टेक्निक बताता हूं। तो ऐसे कैसे बोलते हैं, देखो ग्लूकोस मॉलिक्यूल, फर्स्ट रिएक्शन आई एम टॉकिंग, ग्लूकोस मॉलिक्यूल एंटर इनटू द फॉस्फोरिलेशन वन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट, वेयर वन फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी रिमूव and ATP get converted into ADP. ATP stand for adenosine triphosphate, which is an energy-rich compound, and ADP is nothing but adenosine diphosphate molecule. ADP stand for adenosine diphosphate molecule. Clear? So ATP is adenosine triphosphate and ADP stand for adenosine diphosphate molecule. तो हमें अगर आपको ये 10 जितने भी ये phases हैं, जितने भी step, अगर आपको इनको याद करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके लर्न कर लेते हो ना इस पाथवे को, तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। ये देखिए इसमें आप क्या कीजिए, फॉर्मूले में सबसे पहले रॉ मटेरियल का नाम यूज कीजिए, रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन सा है हमारा, यहाँ पे ग्लूकोज। उसके बाद आप क्या यूज कीजिए, नेम ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन सी, यहाँ पे रिएक्शन है यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन वन, और उसके बाद क्या यूज करोगे आप, नेम ऑफ एंजाइम, ठीक है, और हमारी यहाँ पे एंजाइम है हेक्सोकाइनेस, और उसके बाद क्या यूज करोगे आप, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम डायरेक्टली। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट, और उसके बाद अगर एटीपी एडीपी ये कुछ कन्वर्जन है तो आपको ये बाद में यूज करना है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, अब ये वाली फॉर्मूला याद रखिए, ग्लूकोस इज अ सिक्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एंटर इनटू फॉस्फोरिलेशन वन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट, वेयर वन फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी इज रिमूव एंड एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या यूज किया, ग्लूकोस इज अ सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो मैंने किसके बारे में डिस्कस किया पहले मैंने किसके बारे में बताया आपको, रॉ मटेरियल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल है हमारा ग्लूकोस। फिर हमने क्या बताया, ग्लूकोस इज अ सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच एंटर इनटू फॉस्फोरिलेशन वन, तो फॉस्फोरिलेशन वन क्या है, नेम ऑफ रिएक्शन। फिर इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम, तो हेक्सोकाइनेस क्या है, नेम ऑफ एंजाइम, and get converted into product called glucose 6 phosphate. तो ये देखिए product. तो आपको ऐसे discuss करना है, first name of raw material, then name of reaction, then name of enzyme and finally product. उसके बाद अगर ये कुछ है side में तो उसके बारे में discuss करना है. अब हम second step पे आते हैं,
दिस वन इज फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ये वाले फॉर्मूले से जाइए, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट एंटर इंटू आइसोमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज एंड गेट कन्वर्टेड इंटू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट, ये हो गई सेकेंड स्टेप, ये वाली हो गई फर्स्ट स्टेप, ये वाली हो गई सेकेंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट आया है फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट, ये थर्ड स्टेप में क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल। तो आपको ऐसे ही पूरी की पूरी पाथवे लर्न करते जानी है, मैं आपको बता देता हूं। अब थर्ड स्टेप देखिए, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट एंटर इनटू फॉस्फोरिलेशन सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वेयर अगेन वन फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी इज रिमूव एंड एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी, दिस इज थर्ड स्टेप। नाउ एंटर इनटू फोर्थ स्टेप, देखिए आप, मैं जब भी रिएक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस के बारे में, तो मैं यही फॉर्मूले से जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो फोर्थ स्टेप बता रहा हूँ, आप उस फोर्थ स्टेप को इस फॉर्मूले से मैच कीजिए। फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट, यस, ये देखिए रॉ मटेरियल, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट एंटर इंटू नेम ऑफ रिएक्शन एंटर इंटू क्लीवेज स्टेप इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलेस एंड गेट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट सच एज अ डीएचएपी, गेट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट सच एज अ डीएपी, ये प्रोडक्ट है, ये देखिए डीएचएपी प्रोडक्ट, यस। तो ये वाली होगी फोर्थ स्टेप। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ, डीएचएपी मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, डीएचएपी स्टैंड फॉर डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, ओके। और ये वाला जो है पीजीएल, तो पीजीएल का फुल फॉर्म होता है 3-phosphoglyceraldehyde और यू कैन से ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरल, ओके। अब ये देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट एंटर इनटू आइसोमराइजेशन स्टेप इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो ट्रायोस आइसोमरेस एंड गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड PGAL. Remember, this process is a isomerization. Means DHAP can convert into PGAL, and even though PGAL can reverse convert it into DHAP. PGAL can reverse convert it into DHAP. You know why? Because DHAP dihydroxy acetone phosphate and PGAL 3-phosphoglyceraldehyde both are 3-3 carbon containing compound, and one more similarity is that both are isomer molecule of each other, ठीक है। ये दोनों molecule एक जैसे ही होते हैं, 3-3 carbon वाले होते हैं, और ये दोनों isomer होते हैं एक दूसरे के, इसके लिए मैंने कहते हैं क्या isomer molecule, और ये एक दूसरे के isomer है, इसके लिए DHAP का PGAL और PGAL का DHAP ये दोनों एक दूसरे से reverse convert हो सकते हैं। तो अब हम डीएचएपी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब हम पीजीएल को कंटिन्यू करेंगे। ये पांच स्टेप हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार एक फॉस्फेट का लॉस हुआ, यहाँ पे दूसरी बार फॉस्फेट का लॉस हुआ, मतलब दो एटीपी का हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, लॉस कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एटीपी को प्रोड्यूस करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3-phosphoglyceraldehyde कौन से स्टेप में जा रहे हैं, अब सिक्स्थ वाले स्टेप में जा रहे हैं। 3-phosphoglyceraldehyde enter into oxidation and phosphorylation in presence of enzyme PGAL hydrogenase. Full form अगर बोले तो क्या, 3-phosphoglyceraldehyde hydrogenase. फिर से सुनिए, PGAL 3-phosphoglyceraldehyde enter into oxidation and phosphorylation in presence of enzyme 3-phosphoglyceraldehyde hydrogenase and get converted into 1,3 bisphosphoglycerate, where 2 NAD accept atmospheric phosphate and turn into NADH2. अभी NAD का मतलब होता है, NAD means
निकोटिनामाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यह हुआ किसका फुल फॉर्म है, यह है एनएडी का। अब हम ये लिखते हैं NADH2। तो जब ये एच होते हैं तो एच का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैं एच आपको बता दे रहा, एच मतलब हाइड्रोजिनेस। मतलब क्या होगा फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजिनेस। किसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये, NADH। ठीक है, समझ गया। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ स्टेप। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंटर इनटू ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हाइड्रोजनेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसराइड। नाउ सेवंथ स्टेप 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसराइड एंटर इनटू एटीपी जनरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसराइड काइनेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसराइड गेट कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसराइड Where ADP accept one phosphate and convert into ATP. So there is a gain of ATP. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ATP का loss हुआ था, यहाँ पे भी ATP का loss हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो ATP हमें मिलते हैं, there is a gain of 2 ATP, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 ATP का gain होगा। तो ये दो जगह पर ATP का gain होता है, यहाँ पे 2 ATP मिलते हैं, यहाँ पे 2 ATP मिलते हैं, कितने ATP हो गए, 4, और 4 में से यहाँ पे 2 ATP हमने लॉस कर लिए, तो कितने ATP बचे, 4 में से 2 ATP चले गए, मतलब कितने बचे से, 2 ATP बचे, तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 ATP मिलते हैं। तो चलिए 8th स्टेप पे जाते हैं हम। 3-फॉस्फोग्लिसराइड एंटर इनटू आइसोमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसराइड म्यूटेज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसराइड। Now, 9th step. 2-phosphoglycerate enter into dehydration in presence of enzyme enolase and get converted into phosphoenol pyruvate. It is, in short, it is called PEP, phosphoenol pyruvate. क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं PEP, phosphoenol pyruvate. Now, last step. Yes, see, phosphoenol pyruvate, PEP, enter into ATP generation, second, in presence of enzyme pyruvate kinase, and get converted into two molecule of 3-carbon containing compound, such as a pyruvate. So finally, glucose ka conversion kis mein ho gaya? Pyruvate mein. Aur yehi hamari definition thi. Yes, हमने क्या देखा था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, और यू कैन से 6-कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंड गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट व्हिच इज कंटेनिंग 3-कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सो दिस कंप्लीट्स प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक स्टेप, आपको सबसे पहले क्या करना होता है इस ग्लाइकोलाइसिस में, आपको सबसे पहले जो जिसके बारे में डिस्कस करना होता है वो होता है हाईलाइट नहीं करना मुझे, ओके ग्रीन कलर ले लेता हूं। सी, आपको सबसे पहले रो मटेरियल के बारे में बोलना पड़ता है, मतलब ग्लूकोज, उसके बाद नेम ऑफ रिएक्शन, मतलब ये फॉस्फोरिलेशन 1, उसके बाद नेम ऑफ एंजाइम, मतलब ये सॉरी हेक्सोस्काइनेस, और उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये वाला। तो देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ पे ग्लूकोज इज अ 6-कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंटर इनटू द प्रोसेस कॉल्ड phosphorylation, enter into process called phosphorylation 1 in presence of enzyme hexose kinase
get converted into product called glucose 6-phosphate. अब आपको यही स्टेप बार बार, मतलब इसी फॉर्मूले से आपको बार बार आगे की प्रोसेस करती जानी है. देखिए, ग्लूकोज इज अ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंटर इन टू आइसोमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज आइसोमराइज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंटर इन टू फॉस्फोरिलेशन सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट वेयर 1-फॉस्फेट इज रिमूव फ्रॉम एटीपी सो एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी. आपको इसी फॉर्मूले से स्टार्ट से लेके एंड तक ये कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है. और जैसे ही आप एंड पे आ जाओगे पायरुवेट पे, आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पूरी की पूरी हो जाएगी. यस, आई डोंट थिंक सो ये हार्ड है. जो ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैं आप सभी लोगों को इजीली समझाना चाहता था. शायद किसी स्टूडेंट को सबसे पहले इजीली समझ गया हो, लेकिन शायद बाद में कॉम्प्लिकेटेड लगे. तो मेरा कोई भी इरादा नहीं कि आपके माइंड में कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करूं. सिर्फ मेरा पर्पस यही है कि आपको ग्लाइकोलिसिस इजीली समझ आए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.